वामदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सचिव से की औपचारिक मुलाकात की प्रेस वार्ता। गोंडा 18 सितंबर समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश सचिव ब्रजेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामदल ने प्रदेश भ्रमण के दौरान जनपद के मूल निवासी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव छात्र संघ दीपक कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह से की औपचारिक मुलाकात। मुलाकात के दौरान प्रेस वार्ता में श्री मिश्रा ने बताया कि हमारी पार्टी समाज के उन गरीबों के लिए एकजुट होकर काम करेगी जिन्हें मौजूदा सरकार कर रही अनदेखी, जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे, उन गरीबों को मकान, रोटी, उनके घरों में बिजली की व्यवस्था देने का काम जो पिछली सरकार ने किया था उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामदल ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। गुंडागर्दी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के बावजूद प्रदेश की कानून व्यवस्था उसे रोकने में नाकाम है, जिसके विरुद्ध हम और हमारे कार्यकर्ता आगामी चुनाव में प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता में रखते हुए उतरेंगे चुनावी मैदान में। वैसे इन समय वामदल कार्यकारिणी गठन, मनोनयन, जिला, तहसील, गांव, गलियारे में रहने वाले उन तमाम युवकों को जोड़कर अपनी राजनीतिक कड़ी को मजबूत करने में जुटे। श्री मिश्रा ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम अपनी सरकार बनाने में अवश्य सफल होंगे या वामदल सरकार के गठन में निभाएगी अपनी महती भूमिका। डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, गोंडा, जानकारी जंक्शन। मैं बलरामपुर, बेसिकली हमारा होम टाउन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, बलराम। मेरा कर्म भूम आपका गोंडा रहा जी, और मैं अभी लखनऊ में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश। अच्छा, नहीं, ये गोंडा कैसे आना हुआ आपको? गोंडा हमारा एक्चुअली हमारी ये नई दल, अभी कल हमने इसका कौन सा दल किया है, दल का नाम? हमारा दल जो है बिस्मिल अशफाक आजाद मोर्चा का हमने गठन किया है। बिस्मिल अशफाक आजाद मोर्चा, इसको हम वाम दल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा। और आपके इतिहास में शायद वाम दल जो है, कल शराब का दिन था, आखिरी दिन था। हमने जितने भी लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, और मैंने जो है जितने भी महापुरुष जिनके वंशज नहीं है, ठीक है ना, उनका जैसे आप राम प्रसाद बिस्मिल जी का ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी का ले लीजिए, अशफाक उल्ला को ले लीजिए, राम मनोहर लोहिया जी को ले लीजिए, उनके कोई वंशज नहीं है। उनका जो है तर्पण करने का कारण हम लोगों ने रिवर फ्रंट गोमती नगर में नदी के तट पर बहुत विधि विधान से किया। ये पार्टी बनाने की क्या वजह है? ये पार्टी नहीं, ये हमारा संगठन है। अच्छा, संगठन। इससे पहले आप किसी संगठन के साथ जुड़े थे? मैं एक बेसिकली मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ। अच्छा। और संगठन प्रभारी उत्तर प्रदेश का हमारे पास चार। जो ये संगठन आपने बनाया, क्या ये भी राजनीतिक संगठन है? नहीं, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। अच्छा, ये हमारे ये संगठन शोषित, पिछड़े लोग, वंचित लोग, दलित लोग जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, नहीं उठा पाते, आवाज को आप हम उठाएंगे और पूरे तरीके से उठाएंगे, पूरे जोश के साथ उठाएंगे। उनके लिए हर संभव जो भी हमारे लायक मदद होगी या जो भी ऊपर तक उनकी बातें पहुंचानी होगी, वाम दल पूरा सहयोग करेगा। गोंडा में भी आपने अपना झंडा गाड़ा किसी के माध्यम से? झंडा गाड़ दिया आज आप किसके माध्यम से? हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, कौन है? सब आपको दो दिन में लिस्ट मिल जाएगी आपको। अच्छा, ठीक है ना सर। हम इसी के आज उसमें से कोई है जो आपने झंडा गाड़ा, उसमें से यहाँ कोई है? कोई देखिए, अभी हम माननीय दीपक सिंह जी से जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है, हमारा व्यक्तिगत एक व्यवहार है, हमारा उनसे मिलने का विचार करने का कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए एक औपचारिक मुलाकात आज हमारी होनी थी, इसीलिए हम लोग साथ में मिले, आप लोग आए, अच्छा लगा। दूसरा जो है, हम लोग जो आज हमारा प्रदेश भ्रमण, मैं गोंडा में हूँ, बलरामपुर जाऊँगा, इटावा जाऊँगा, सिद्धार्थनगर जाऊँगा और गोरखपुर तक हमारा ये भ्रमण चलेगा, प्रदेश भ्रमण। कल हमने संगठन को तैयार किया है, तैयार तो संगठन पहले से था, लेकिन ये जो दिन चल रहा था दिन अच्छे नहीं थे, कल उसका जो है हम लोगों ने तर्पण करके महापुरुषों का, और इसकी शुरुआत
बिल्कुल बजा दिया। अच्छा, क्या दीपक सिंह जी की जी भी आपसे जुड़े हैं, आपके उसमें कुछ? हमारा व्यक्तिगत लगाव है आपसे। अच्छा, और ये तो क्या मान लें, क्योंकि आप प्रगतिशील में भी हैं और एक दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आने वाले दिनों में प्रगतिशील पार्टी के लिए बी ग्रुप का काम करेगा? प्रगतिशील के लिए बी ग्रुप का काम नहीं करेगा, ये मौजूदा सरकार का बी ग्रुप का काम करेगा, मौजूदा सरकार के। इसीलिए बिस्मिल अस्पा आजाद मोर्चा का गठन। प्रदेश भ्रमण करने का रीजन क्या है आप? हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रदेश के जितने हमारे कार्यकारिणी हो, तो गठित करने की हमारी योजना। तो क्या हमारे बातचीत चल रहे हैं, हर जिले में हमारे लोग हैं। तो क्या मान लें, प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी आप रखेंगे समाज के बीच? क्यों नहीं रखेंगे, जो गलत चीजें हैं उसको सामने रखेंगे। इसलिए ये देखिए, शोषित वंचित जो दलित हैं हमारे लोग, जिनके आवाज नहीं उठाए जा सकते हैं, ये पार्टी उसी का तो काम करेगी। हम उनकी आवाज बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, उनका हर संभव मदद किया जाए, इसीलिए ये दल की जो है गठन हुई। चूंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रगतिशील पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव, आने वाले दिनों में हम क्या मान लें कि चाचा भतीजा एक मंच पे दिखेंगे? एक ब्लड है और कोई भी तीसरा जो अपना शुभ चिंतक होगा कभी नहीं चाहेगा कि परिवार में कोई विघटन हो। सही है, लेकिन अब ये उनके लेवल की बात है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को जो दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग अकेले भी लड़ेंगे, साथ में भी लड़ सकते हैं, इसकी कोई हमारी जो है उस पर हम कुछ कहेंगे नहीं।